शिवपुरी में बड़े ही धूमधाम के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। इस ईद के त्यौहार को मुस्लिम समाज ने भाईचारे के साथ मनाया। ईद की नमाज के बाद हिंदू मुस्लिम ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। मुस्लिम समाज ने शिवपुरी के झांसी तिराहा स्थित ईदगाह पर नमाज अदा की और वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए मुस्लिम समाज भाइयों ने जगह जगह फ्रूट और गुलाबी शरबत के काउंटर लगाए, जिसमें हिंदू मुस्लिम ने भाईचारे के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वहीं दल बल के साथ एडिशनल एसपी प्रवीण कुमार भूरिया, यातायात थाना प्रभारी रणवीर सिंह यादव एवं पुलिस प्रशासन के साथ तैनात रहे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अशरफ खान। आज ईद का त्यौहार है, क्या कुछ कहेंगे आप? कोरोना काल के कारण 2 साल से काफी बीमारी के कारण सभी त्यौहार नहीं मनाए जा रहे थे। 2 साल के बाद बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह पे हमारे सभी हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों ने साथ में बड़े भाईचारे के साथ मिलकर ईद का त्यौहार मनाया। प्रशासन भी वहाँ मुस्लिम समाज के लिए उपस्थित रहा और उन्होंने सबका इस्तकबाल किया और सब ने बड़े भाईचारे के साथ ईद का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया गया। और सभी देशवासियों से और सभी शिवपुरी जिले वासियों से मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी अपने मेल मुलाकात से ईद का त्यौहार मनाएं और आपस में भाईचारे का पैगाम पेश करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।